तो शेर आवत ही अबे। हाँ आओ पर कहो रोज आओ तो रोज नहीं आओ। भैरम बाबा के दर्शन करें आओ। महीना में कचो साल भर में कचो 8 महीना। अच्छा परिक्रमा करते बोल नहीं कहो से। अच्छा तुम दिखे हो। अरे खूब अच्छी कहान से परिक्रमा की ही परिक्रमा करके भैरम बाबा से कहा छे मैं भूखा हूँ। तो कहा छे देख जनता पड़ी है जो पनही पड़ी हो वही खाल तो वो जागर रह तो आप ग्वारन से खसका दी वो गा सब सोंगी सांगी आ काशे कम ना नहीं पाई कहा जा वो कुंड माँ भैंसी पड़ी है तो भैंसी से ना बोले और डांगर पारा है तो वही खा ले हंसी भी कट जाती है। अच्छा हाँ हंसी भी अगर प्रेम से आओ का नाव ले का भैंस दे दो भैंस नहीं गवाही गवाही नरियर गवाह माने जा जैसे वो माँ गवाही ली जाते वैसे गवाही तो हम सुना करी थे रहा से कब्जे उतर जुआ थी तो पूछी जा चुकी है नरियर कहकर धरे तो भैरों को बताओ फलाने गांव के यार फलाने धई धाई ये चीज आया भाई वो का बनाओ जब तुम गवाही जी ने मोहस तो दुनिया कह रहा है। अच्छा तो इस तरह मीटिंग होती है भगवानों की। हाँ, दोस्तों चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हुए हैं और यहीं पेट सिद्ध महात्मा रहते हैं। आज उन्हीं की कुटिया चलेंगे और उन्हीं के आपको दर्शन करवाएंगे। संतों की सेवा के लिए दोस्तों हमने कम्बल इस बार कम्बल वितरण कर रहे हैं संतों को और काफी अच्छी क्वालिटी के कम्बल है। इस बार संतों के लिए हम कम्बल लेके आए हैं, देख सकते हैं इस तरह के कम्बल संतों को हम बांट रहे हैं। तो लेके चलेंगे उनके पास और उनके दर्शन करेंगे और उनका सत्संग लेंगे। अब अभी काफ़ी दूर जंगल में है, इस जंगल में घुस के चलेंगे और वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं, हम यहाँ पे बहुत पूछते पूछते आए हैं और आज पहली बार हम भी उनके दर्शन करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको जंगल भी दिखाएंगे, रोड भी दिखाएंगे, कैसी रोड है, कैसे जाते हैं लोग और कितना अच्छा स्थान है, कैसे संत हैं, सब आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। देख सकते हैं दोस्तों ऐसी रास्ताएं हैं जंगल के अंदर, ऐसी रास्ता होती है और ऐसे रास्ताओं से होके जाना होता है और ऐसे घनघोर जंगल में संत महात्मा यहाँ पे रहते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ कितना घनघोर जंगल है, यहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना है। यहीं के जंगल के जो आदिवासी लोग हैं वही लोग रहते हैं और वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और महात्मा जी के दर्शन करवाएंगे और स्थान के दर्शन करवाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी के सिद्ध स्थान आ चुके हैं और ये भैरम बाबा का सिद्ध स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और लोग यहाँ पे मान्यता भी पूरी होती है। आइए चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। ये देखिए काफी प्राचीन स्थान है ये दोस्तों, ये देख सकते हैं। जय हो। देख सकते हैं दोस्तों काफी प्राचीन स्थान है। पहले यहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं था, जब पहले ये भैरव बाबा बैठे थे उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है। और देख सकते हैं काफी प्राचीन मूर्ति है, बहुत ही पुरानी मूर्ति है, काले पत्थर से बनी हुई है और ये मंदिर का निर्माण ग्रामीण लोगों ने ही इसका निर्माण किया है और इससे पहले इसका कोई निर्माण नहीं था, खाली खुले में बैठे थे, छोटा सा मंदिर बना था। देख सकते हैं एक बार दिखा दीजिए अंदर से। ये दोस्तों भैरम बाबा हैं और ये चारों तरफ हम आपको आइए दिखाते हैं। देखिए मंदिर का निर्माण किया गया है कि ताकि यहाँ पे लोग आए दर्शन करें, बारिश होती है धूप होती है तो उससे बचने के लिए यहाँ पे निर्माण किया गया है, छत में लेंटर डलवा दिया गया है। और चारों तरफ आप इधर भी देखेंगे जंगल है, इधर भी जंगल है और इधर भी जंगल है, देख सकते हैं इधर भी आपको जंगल ही दिखेगा, चारों तरफ यहाँ पे जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है, एक ही रास्ता है जहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे आके मन्नता पूर करते हैं जो भी है और यहाँ पे अपना भंडारा करते हैं। काफी ग्रामीण वासी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आते हैं अपना थोड़ी बहुत सेवा जो उनसे हो पाती है लोग करते हैं। तो ये देखते हैं महाराज जी के पास चलेंगे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में और उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे।
तो आइए चलते हैं महाराज जी से उनके दर्शन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है और इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं, यहीं पे खाना वाना बनाते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए महाराज जी का चूल्हा यहाँ पे बना हुआ है और ये महाराज जी की यहाँ पे तखत अपना बनाए हुए हैं, पटरा वटरा रख के, ये देख सकते हैं। और चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, घनघोर जंगल है और कुछ नहीं है। देखिए पूरा यहाँ पे जंगल ही जंगल आपको दिखेगा चारों तरफ से, ये देख लीजिए, ये पूरा जंगल ही जंगल है। उधर भैरम बाबा बैठे हुए हैं उस साइड भैरम बाबा बैठे हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम भगवान। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट आए हुए हैं और जो ये स्थान है इसे भैरम बाबा के नाम से जाना जाता है, काफी प्राचीन स्थान है, काफी पुराना स्थान है और महाराज जी यहीं पे रहते हैं। महाराज जी काफी 30-35 सालों से यहाँ पे हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। तो महाराज जी कितने सालों से हैं आप यहाँ पे स्थान पे? हो गए भाई 16-17 18 हो गए हैं। अच्छा, 16-17 साल हो गए यही है रहा। पहले पास ही पूजा थे, बाहर बाहर क्या सब पूजाने लाग तो इसका मेले लगा रहा। कम्बल लगी लगा, मैं इसलिए कम्बल लाए रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम महाराज जी करबी से आए हैं, करबी से संत सेवा यहीं तक पहुँचावत रही थी। तो आज हम तुम्हारे आश्रम में पहली बार आए हैं, पहली बार आते हमें भंडारा मिल गया यहाँ। हम मंगल का आए रहे पटेल करबी से। अच्छा अच्छा, सोनीपुर के को। हाँ। तो कह दे रहे हैं, कहा बाबा आज तो नहीं आया है तो तुम्हें जाड़े का कुछ व्यवस्था बना दे। अच्छा अच्छा, तो हमारे रात करो मेला भाई कुछ लंग है तो अपन पाले रही से भगवान। चलो ठीक है, ये तुम्हें हो जाए कम्मल। चलो बहुत ये मार्डर वाले भाइयों, ये सतगुरु महाराज सबके दया छाया की, सबका पूजन किए, सबको जय जयकार किए, सबका रास्ता देखे। जय गुरुदेव महाराज की जय। ये बताओ महाराज जी, ये स्थान किस नाम से जाना जाता है? मजदर के भैरम बाबा। मजदर के भैरम बाबा, कितना पुराना स्थान हो गया? बहुत पुराना है, गांव वाले बता सकते, हम नहीं यहाँ के नहीं है। अच्छा अच्छा, हम मानीपुर के हैं। तो इस स्थान की क्या खासियत है, मतलब ऐसा क्या यहाँ हुआ है कि आदमी आते हैं इतना लोग? गांव वाले बता सकते। अच्छा, कुछ भैरम बाबा के बारे में बताइए कोई। हमें तो ये बताएं कि आकन की भैंसी है रानी जी, सुन लो। हाँ। तो आए रहे ढूंढे। अच्छा, 5 जने। हाँ। तो उन्हें रातें हुई गई। अच्छा, तो चौचरा रहा माटी के। हाँ। तो पर रहे। अच्छा, परिकर्मा की ही परिकर्मा करके भैरम बाबा से कहा थे मैं भूखा हूँ। तो कहा थे देख जनता पड़ी है, जो पन ही पड़ी हो वही खा ले। तो वो जागर रह तो आप ग्वारन से खसका दी पग्गा सब सोंगी सांगी। कहा थे कम नहीं पड़ी, कहा जा वो कुंड माँ भैंसी पड़ी है तो भैंसी से न बोले। और डांगर पड़ा है तो वही खा ले। तो डांगर का गह तो खा ली तो उनका जान तो कुंडा रहा नहीं। गाँव में सोहरा की भाई गदा कुंड कौन छिया है? भैरम बाबा खा ले है। कहे भैरम बाबा कहेंगे गजा कुंड में भैंसी पड़ी तो भैंसी न बोले जाओ। तो गांव वाले आए हैं तो डांगर द्वारा पारा भैंसी लो अतर वो से जाहिर हो जाए। अच्छा, यानी सिद्ध स्थान है ये। हाँ, बहुत दूर हो गए, फतेहपुर तक के आओ थी, बम्बई के आओ थी। अच्छा अच्छा, सब आते हैं जंगल, यानी जो आदमी यहाँ मान के मान्यता जाता उनकी पूरी हो जाती, पूरी हो जाती, यही तो आदमी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो परेशानी है कौन आफत थी। हाँ। को नरिया धरी जा थी जोड़ा। अच्छा अच्छा, जोड़ा जोड़ा नरिया, मान जाते कि मैं इतना कर दू हूँ और यह काम सफल हो जाए। अच्छा, तो भैरम बाबा सफल कर जाते, वह भंडारा करें आओ, उनका काम हो जाता है जो लोग यहाँ मान लेते हैं। फांसी भी कट जाती है। अच्छा, हाँ फांसी भी अगर प्रेम से आओ का नाम लो का भैंस दर जो। हाँ। भैंस नहीं, गवाही, गवाही नरियर गवाह माने जा, जैसे वो माँ गवाही ली जाती। हाँ। वैसे गवाही तो हम सुना करी थे रहा से कब्जे का जुआ थी तो पूछी जाती कि ये नरियर कहकर धरे तो भैरों का बताऊं फलाने गांव के यार फलाने धई धाई ये चीज
आया भाई वो का बना जब गवाही जी में महर्षि तो दुनिया कह रहा है। अच्छा तो इस तरह मीटिंग होती है भगवानों की? हाँ, भगवान की मीटिंग होती है। सुने हो? अरे खूब जब बताए थे कि यहीं से पारे हैं हम। अच्छा तो हम सिखा लेना वही तकलीफ है कि आओ थे परिकर्मा कही थी कि भैरव बाबा की गेट के भीतर की जिम्मेदारी मोर गेट के भीतर में जाए परिकर्मा का सीधे चला गया। अच्छा परिकर्मा को करती थी मेला है वो कावंती हो जो भैरव बाबा यहाँ से जाके वही नदी के वो पार दर्शन दे है लौटा दे है का? शेर का? शेर का। अच्छा साधु बाबा लंगो तुम्हारा है रख दो रख दो लेंका रख कर आंदे तो शेर आवत ही अबे। हाँ आओ पर कहो रोज आओ तो रोज नहीं आओ भैरव बाबा के दर्शन करें आओ महीना में का तो साल भर में का तो 8 महीना। अच्छा परिक्रमा करके बोले नहीं को। अच्छा तुम दिखे हो? अरे खूब अच्छी कहान सी हम तो दिखाल नहीं आई शब्द सुन पर किया हुआ है तो तुमसे नहीं बोलता है एक दामी है के पाए रहन। हाँ। हम से नहीं बोले दूजने मेलहारी आगे रहे। अच्छा तो चौकरम पड़े रहे। हाँ। और वही आवाज लगान तो मैं उठ के बैठ गई। हाँ। आवा परिकर्मा के इसका इसकी जब जनता पड़ा है बेच के भीतर न गए बाहर दर्शन करिए सीधे चला गया। अब मैं बैठ हम मैं बताओ तो कि उन्हें जो जगाओ छो बताओ छो तो भाग गई तो पब्लिक है कही कही की हुआ बाबा तो दुख रहा तो खातिर मैं अपनी बदलाने के खातिर में देरानी सकारे पहाड़ मोहनींद कहे पर मैं आप बाई छोड़ी यही चौतरा में सबेरे जागे तो मखाए आ भाई जब बताओ को का खा रहा रे मार आ रहे इतना निशाब छुआओ छोटी कुछ नहीं करते हो कि कहाँ पर कहाँ पर हो सही है को आवा है बाप। हाँ, चलो यार से उठा के ले जाऊं वो आंबे करे धुर हुआ रहा तो पाउडर रहा तो बारिश के नापे। हाँ, कहे बाबा एक दिन ऐसे ऊपर हमें कहीं नहीं बताया। हाँ, कहा तुम्हारा पाउडर देख के गाड़ फाट गए। हाँ, और वो का शब्द सुनते हो तो मैं कहा तुम भाग जाते तो मुही अपलंग हुआ से निकालते हो कि बाबा बहाना करके निकाल दी से रात सही तो फिर हूँ भल भल कहूँ की रात बस नहा लो दर्शन कर लो और इच्छा हो तो भोजन बना लो खा लो न इच्छा हो तो नहा के दर्शन कर लो जब रात रुके। हाँ। तो चल कहे बाबा को। हाँ। मकई यही से रात के नहीं बताए आप। हाँ। अब जाके तो गाँव में बता दे हो। बिल्कुल बता दे है और हम रात के बचल भागी तो गांव वाले ये छोरों का हट की बात सही है यह कहा बाबा बहाना कर दिया सही तो मुहिम करे तो ग्वाल लगी पड़े हाथ जोड़े बाबा ठीक है हमारा जीव बच गया। तो इस तरह का सिद्ध स्थान है यहाँ पे शेर आता है लेकिन किसी से बोलता नहीं है। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि लोगों को नुकसान पहुंचाया हो। अरे कईयों के दर्शन भी दर्शन मिल जाते हैं शिवों के आए हैं वो गली चल रही है बंद रही है। हाँ हाँ तो ये समय भाए। हाँ। फिर यह भाकी या हम गली भुला गए हमें भैरव बाबा नहीं चली गांव से पहुंची कंगन है भैरव बाबा। तो यहाँ से भारी मुंह भारी भेष बना के पछुए का चले। हाँ। तो आए जो पाछू जा तो खाड़ा दी। अब अगुए चली का तो गांव घोर मिलबे पड़ी कतो से जंगल टूटे हो तो जो नदिया के समय आए हम को भूलान है का तो मैं घंटी के बाद तो यंगन से आए तो फिर बताए तीन टाइम टाइम के बाद बाबा हम लोग डोरी भले उठ गए रहे पछिल गए रहे तो कहा यंगन से गए तो कहा गली मकान भैया तुम न डराओ ना कौन है सब यह यार तुम्हें बताए किया है यंगन न जाओ यंगन हाँ मैं सही है रास्ता बताए नहीं एक साधु हियाँ रह रहा देव और बता दे। हाँ। एक साधु हियाँ रह रहा 5 बजे गाँव में भाग जा रहा पे बिरादर हियाँ पा रहा जब सीधा पानी पाओ रहा तो हुआ ले जा रहा संजय हियाँ दिन में रह रहा रात में नहीं रह रहा। अच्छा और हम आए तो कुछ बहाना बनाई। हाँ। चला गया चला के आए के बाद कहाँ चला रह जा रहा है तो फिर ले आवा तो रात बस गया तो शेर बॉलर रहा
और रात के सुनी कहे बाबा मुहैया कर रहा हूँ गाड़ी छूट गई। मैं कहा तो का करो कहने रहत रहे कहे मैं गांव में नहीं रह रहा हूँ मैं गाँव चला जा रहा हूँ। तो हम कहे यार कौने सधुआ अपन पड़ी हो तो एक आ गया ही और बिछिया के अभुआ रही परेशान रही तो दूध गाय के अलावा रहने उ तो धरा धरा हुआ। तो हम कहे यार पंडा भाई ये साधु बाबा का लेवा ले जो सड़क को तो सड़क में छोड़ दी तो आप यहाँ से आ जाए रुकमा कर के आ रहा या आप बहीपुर से आ गई तो ये जो ऐसे खालवान तो बताए कि ये तो सांड का भेष बनाए रहे अच्छा आए छैया कहिया मुड़े या तो दोनों छुछुलिया रहे गली में। तो कहे हम जी तो बाबा कांपा जाए तो कहे मैं बाइस के ग्वाल लगी पड़े हूँ कि महाराज मैं रोज आओ तो ये छंड नहीं दिख रहा हूँ गली तो गली। तो कहे घुस गए झड़ार कही हम कहे दौड़ मन कर पर कहो बाबा थर 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 कहूँ की बाबा यार कहना राहत रहे अब जो रात कहा मैं रात नहीं बसा ये तब बतावो सुनो तुम भाई यहाँ सबके बस की बात नहीं है कि यहाँ रुक जाए बस के नहीं आए जो इनके भरोसे रुका है तो उनका कल्याण होता है। तो महाराज जी पहले जब यहाँ आए हुई हो तो काफी घनघोर जंगल रहा हुई। कुछ फलान बन रही तो यही गोरा आ रहे थे पलान अभी बनी है तो यही गोरा नहीं जब मैं बीछा लगवा नहीं अभी ऐसे सर धर रहा तो पात आसो बनवाई अच्छा तो वो चीकन पड़ी है पहले ही पूरे में पेड़ लगे रहे हुई है ये हो रहा कुछ नहीं है बलाय है जो ये काज है तो सा वो गड़ जाए तो काट लग जाती है क्या लकड़ी लकड़ी वाले आओ थी लकड़ी वाले ये महाराज जी कुटिया जो बनी है तुम्हार तो यही में रह के खाना बनाते हो एंट हो यही में रह उगते हो पारी तो वही है यहाँ पे खाना खाना वाना ही है आरती पूजा करी थे अच्छा आगी राखी थे सब कुछ करी से को आवो तो मचनिया बन वो बना है तखत तो आप हाँ आराम से है आराम से रुका पड़ा कोई ना दिक्कत नहीं है। तो ये महाराज जी की कुटिया है वो हम कल आए हैं पचुला लेकर गाँव का अच्छा अच्छा तो यही लगे है तो हम धोखा धाई के तखत बना तखत बन गया है तो वो आई जो आप सही है।